फतेहाबाद के ढिंगसिरा में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। मामले में 16 लोग दोषी पाए गए हैं। दरअसल मामला पहले से सामने आ चुका था, मामले में जांच जारी थी। 16 लोगों को दोषी पाया गया है। लव मैरिज से नाराज थे लड़की के परिजन, परिजनों ने युवक का अपहरण किया, पीट पीट कर मौत के घाट उतारा गया। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय की ओर से मामले में फैसला सुनाया गया है। एक या दो नहीं बल्कि 16 लोगों को मामले में दोषी पाया गया है। ऑनर किलिंग का ही मामला, 16 लोगों को अदालत ने दोषी पाया है। लव मैरिज से नाराज लड़की के परिजनों की ओर से युवक की हत्या की गई थी। तो फतेहाबाद की ढिंगसरा का ही मामला ऑनर किलिंग का ही मामला बताया गया, जिसमें मामले में जांच की गई, अदालत में सुनवाई हुई, अदालत ने फैसला लिया है, 16 लोगों को दोषी करार दिया गया है अदालत की ओर से। तो फतेहाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दी, लव मैरिज से नाराज लड़की के परिजनों ने लड़की की हत्या को अंजाम दिया था। मामले में अदालत अपना फैसला सुना चुकी है, 16 लोगों को दोषी पाया गया है। तो युवक की पीट पीट कर हत्या की गई थी, पीट पीट कर हत्या को अंजाम दिया गया था। मामले में जांच जारी थी, अदालत ने सुनवाई पूरी कर ली है, फैसला सुनाया गया है। अदालत ने अपने फैसले में 16 लोगों को दोषी पाया है जिन्हें सजा सुनाई जाएगी। जसपाल सिंह हमारे संवाददाता फतेहाबाद से फोन लाइन पर हैं। जसपाल, आप पूरा मामला बताइए, कब का ये मामला था जिसमें 16 लोगों को दोषी पाया गया है? मामला है जहां पर इखार के जो गांव की एक लड़की और एक लड़का था, जिन्होंने जो लव मैरिज की थी, तो उसके बाद लड़के ने शादी करने के बाद वो अपने मामा के घर ढिंगसरा में आ गया था। तो जो लड़की के परिजन थे उनको ये शादी जो है सही नहीं लग रही थी और इससे नाखुश थे। तो इसी के विरोध में जब लड़की के परिजनों ने जब लड़का अपने मामा के घर गया हुआ था, तो वहां पर पहुंचकर लड़की के परिजनों ने उस लड़के की जो है बेरहमी से पहले उसको अगवा किया और फिर किसी गांव में ले जाकर, खेत में ले जाकर उसे पत्तों से जो है बेरहमी से उसको पीटा और उसकी हत्या कर दी। और उसके बाद जो है उसका शव है वो नहर में फेंक दिया। तो अब 4 साल के बाद जब पूरी दलीलें यहाँ माननीय कोर्ट में, बिल्कुल 4 साल बाद मामले में तमाम दलीलें सुनवाई पूरी हो चुकी है, 16 लोगों को दोषी पाया गया है। जसपाल, सजा कब सुनाई जाएगी? देखिए, सजा की अगर बात करें तो माननीय कोर्ट ने आज 16 लोगों को दोषी करार दे दिया है और कुल इस मामले के अंदर 16 लोगों को दोषी करार दे दिया है और कुल इस मामले के अंदर 17 लोग थे और एक की जो है इसमें मौत हो गई। तो 22 तारीख को जो है 22 मार्च है, उनको इस तारीख को सजा सुनाई जाएगी, लेकिन सजा क्या होगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 4 साल बाद लंबी दलीलें चलने के बाद और 22 मार्च को सजा सुनाने का ऐलान कर दिया है और आज दोषी करार दे दिया गया है। अब देखना होगा कि इन 16 दोषियों को माननीय कोर्ट है क्या सजा सुनाती है। ज्योति, बहुत शुक्रिया जसपाल सिंह, की पूरी जानकारी आपने दी। 4 साल पहले का ही मामला था, मामले में सुनवाई चूंकि पूरी हो चुकी थी, 16 लोगों को दोषी पाया गया है। 17 कुल मिलाकर आरोपी थे जिनमें से 16 को दोषी पाया गया, चूंकि एक आरोपी की पहले ही मौत हो चुकी थी।